नमस्कार, सच का हम बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा भले ही स्वर्ण से चूक गए, लेकिन रजत पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रच डाला और वे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रयोगशाला के इस नए प्रयोग के कारण देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य खतरे में है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन को भारतीय खेलों के लिए खास पल बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे देश ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 34 वर्षीय व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया है और उसने विदेश की कोई यात्रा नहीं की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। हरियाणा के आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की तथा उनके साथ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नवनियुक्त चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि कर विभाग की शीर्ष प्राथमिकता करदाताओं की शिकायतों का तेजी से समाधान है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी और इस दौरान वे पारंपरिक संथाली साड़ी में नजर आ सकती हैं। कैलिफोर्निया में योसेमिट नेशनल पार्क के समीप जंगल में लगी आग ने शनिवार को विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश देना पड़ा। पुरुषों के वर्चस्व वाले वाहन विनिर्माण क्षेत्र में अब महिलाएं भी अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं और इसमें उनकी मदद कर रही हैं देश की प्रमुख वाहन कंपनियां। दरअसल टाटा मोटर्स, MG मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो अपने विनिर्माण संयंत्रों में लैंगिक विविधता की ओर तेजी से बढ़ रही है। हैती की राजधानी में हाल ही के सप्ताह में दो विरोधी गिरोहों के बीच लड़ाई के कारण शनिवार को सैकड़ों बच्चों और वयस्कों ने एक स्कूल में शरण ली।